भाजपा सरकार में महामहिम राज्यपाल के नाम का उल्लेख कर नकली आदेश और वल्लभ भवन से जारी नकली नियुक्ति पत्र निकाला गया है, यह आरोप लगाया है अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मीडिया पैनलिस्ट और पूर्व सचिव एडवोकेट पीके द्विवेदी ने आज भाजपा सरकार के राज में चल रहे नकली आदेश और नियुक्ति पत्र पर हमला बोला। द्विवेदी ने आज एक आदेश जो नकली है और जो असली बताकर काम में लिया गया बताया। द्विवेदी ने बताया कि यह नकली पत्र है, परंतु विभागीय अधिकारियों ने इसकी सत्यता जांचे बिना गजट नोटिफिकेशन देखे बिना आवक जावक कर विभागीय अधिकारियों में भेजा। पत्र मिलते लकड़ी माफिया वनों पर टूट पड़े। बाजार में आम, पीपल, बड़, नीम, बरगद आदि के पेड़ों की लकड़ियां भरपल्ले आने लगी। लकड़ी टाल आरा मशीन पर भरमार, टिम्बर मार्केट में भरमार हुई। धार्मिक भावनाओं महत्व के पेड़ों की लकड़ियां काट बाजार में उपलब्ध हुई तो सत्यता जांची तो इस आदेश पत्र के नकली होने का पता चला। वन मंडल इंदौर खंडवा के कुछ अधिकारियों के तबदले हुए बस। द्विवेदी ने बताया कि यह मामला आया गया है, पर मैं लगातार अपडेट सरकार से उचित कार्रवाई करवाने में लगा, असफल रहा। आज यह मामला क्यों? क्योंकि कुछ विभाग से नकली नौकरी नियुक्ति पत्र जारी होने का मामला उठा है। नौकरी नाम वल्लभ भवन से विभिन्न विभागों से नकली नियुक्ति पत्र जारी हुए, बेरोजगार युवाओं को ठगा गया है। सरफराज खान की रिपोर्ट। फैसाबाद प्रेस वार्ता रखी थी, किस संबंध में है? वन विभाग के खिलाफ आप एक जो है कागज जारी करने वाले थे। यह है एक पत्र, फर्जी पत्र है, परंतु सही पत्र बनकर के काम कर गया। 1 जून 2015 को वल्लभ भवन से महामहिम राज्यपाल के आदेशानुसार प्रशांत कुमार सचिव जी के माध्यम से ये पत्र जारी हुआ। इंदौर वन विभाग में पहुंचा, खंडवा वन विभाग में पहुंचा, प्रदेश के सभी वन विभागों में पहुंचा, आवक हुआ, जावक हुआ, अधीनस्थ अधिकारियों तक भेजा गया, तमाम टिम्बर मार्केट में भेजा गया, आरा मशीन वालों को भेजा गया। इसमें 52 प्रकार के पेड़ों को बिना अनुमति के काटने की परमिशन थी। टीपी परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं थी। ये एक कानून है जिसमें वन विभाग की परमिशन के बाद ही पेड़ कटेंगे और अगर उनकी लकड़ियों को ले जाया जा सकेगा। सवाल ये था कि एक नकली पत्र असली बन करके काम करता गया, बाजार में नीम, आम, बरगद, पीपल जैसे, गुलर जैसे पूजनीय पेड़ों की संख्या जब बढ़ी, टिम्बर मार्केट में भी हलचल हुई, आरा मशीनों पर भी हलचल हुई। मेरे तक जानकारी आई, मैंने पेड़ों को सजाना शुरू किया गुब्बारों से। आप कनाडिया रोड पर जाएंगे तो टेलीफोन नगर चौराहे के बीचों बीच में, सड़क के बीचों बीच में एक पेड़ जिंदा पड़ा हुआ है, दो पेड़ जिंदा। धार्मिक संगठन खड़े हुए, साधु संत खड़े हुए और उन्होंने आम, इमली, बरगद, पीपल, गुलर जैसे पेड़ों को काटने पर जांच की मांग की। तब मालूम पड़ा कि ये नकली पत्र है। लीपापोती हो गई। आज तक पकड़ में नहीं आया कि ये पत्र कैसे आपके विभाग में पहुंचा और आपने आवक जावक कर, केवल एक काम किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया इंदौर के अधिकारियों का भी। बाद में ये असली पत्र जारी हो गया है ना, गजट नोटिफिकेशन सरकार ने अभी साल भर पहले कर दिया। 100% का भ्रष्टाचार है ये। 50% के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर आप प्रियंका गांधी पर, अरुण यादव जी जैसे, कमलनाथ जी पर, अन्य लोगों पर आप आपराधिक मामला दर्ज करते हो। मैं सबूत सहित 100% के आपके भ्रष्टाचार का, नकली पत्र का, महामहिम राज्यपाल के का नाम लेकर के नकली पत्र जारी करने का सप्रमाण आरोप लगाता रहा। और आज इसलिए आरोप लगाया कि 26 से अधिक पत्र जारी हुए हैं जिसमें कई बेरोजगारों को रोजगार, मतलब नौकरी दी गई है, नकली नाम से लाखों रुपए लिए हैं। वल्लभ भवन में से ये पत्र जारी हुए हैं और पत्रकारों ने इस मामले को उठाया है। उसको और इसको मिला करके मैं 100% का आरोप लगा रहा हूँ। शिवराज जी, अब आप मेरे सामने
किसे अपराधी बनाएंगे, किस पर FIR करेंगे, आपकी सरकार के अधिकारी हैं, आपका सचिव है, आपके मंडल के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, अब किन पर आप FIR करेंगे। भाई साहब, किसके द्वारा ये पत्र पहुंचा है, वहाँ पर कुछ जानकारी? ये सवाल या निशान तो मैं भी खड़ा कर रहा हूँ, और पत्र भोपाल से आया, आवक हुआ, जावक हुआ, अधीनस्थ अधिकारियों तक पहुंचा, जांच का विषय तो यही है। नकली पत्र आवक और जावक नहीं होता है, लेकिन इसमें ये नकली पत्र आवक जावक हुआ है, सारे अधिकारियों की साइन है, मेरे पास कैसे आया ये सवाल मत कर लेना। कितने का भ्रष्टाचार है इसमें अगर देखा जाए तो? अरे महामहिम राज्यपाल का नाम तो अनमोल है, 100% का, और नैतिकता का और सरकार की साख का भ्रष्टाचार।